नमस्कार दोस्तों, एक्वा फिल्टर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाटर पाउच पैकिंग मशीन्स और आरओ प्लांट। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वाटर पाउच पैकिंग मशीन कैसी होती है, फिल्ट्रेशन प्लांट कैसा होता है। आप देख सकते हैं एक ये वाटर पाउच मशीन लगी है, दूसरी ये वाटर पाउच पैकिंग मशीन और तीसरी ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है। साइड में आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का टैंक है जो कि प्योर वाटर को टैंक में स्टोर करता है, उसके बाद में इन पाउच मशीनों में आपको सप्लाई करके देता है। तो एक एक करके पूरी जानकारी देता हूँ, कृपया करके लाइन पर ज़रूर बने रहें। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें सारी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए वाटर पाउच पैकिंग मशीन है, इसको मैं ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी इसको मैं चला करके भी दिखाऊंगा, देख सकते हैं इसमें ये पूरा रोल लगा हुआ है। ये 20 केजी का रोल होता है। 20 केजी में ये मान के चलिए कि 100 पाउचेस की आपकी 200 बोरी आराम से बन जाती हैं। ये देखिए, इस पाउच को भी हमने सैंपल के तौर पे चला करके चेक किया है ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ये देखिए पाउच ये बना चुका है। पाउच स्क्वायर में भी आते हैं, रेक्टेंगल में भी आते हैं। ये स्क्वायर पाउच की मशीन है। ये आपका पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि 2000 लीटर का है, देख सकते हैं। ये आप देखिए, एक पाउच पैकिंग मशीन एक घंटे में 3500 पाउच पैक करती है। अगर हम बात करें कि इसके पावर कंजप्शन की, तो ये एक पाउच पैकिंग मशीन और 1000 लीटर का आरओ प्लांट अगर हम लगाते हैं तो वो हमारा 4 किलोवाट लेती है। ये 2000 लीटर की मशीन है, ये जिसमें दो पाउच पैकिंग मशीन लगी हैं, 1 किलोवाट से 1.5 किलोवाट का डिफरेंस है, मतलब 5-5.5 किलोवाट का इसमें डिफरेंस आया है। तो अगर आप दो पाउच पैकिंग मशीन लगाना चाहते हैं तो 2000 लीटर का प्लांट रहेगा। एक पाउच पैकिंग मशीन के लिए 1000 लीटर का प्लांट सफिशियंट होता है, आप देख सकते हैं। अब इसके लिए मैं बताऊं आपको, एरिया की बात करूं तो 500 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट इसके लिए सफिशियंट होता है। अगर आप 500 से 600 स्क्वायर फीट में इसको लगा देते हैं तो आपको मटेरियल स्टोर करने के लिए भी अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप देखिए मशीन अभी बंद है, अब मैं आपको इसकी टेम्परेचर खोल करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसका टेम्परेचर जो है ऑन हो जाता है। नीचे वाले का टेम्परेचर 141 है, ऊपर वाले का 94 है। अभी ये टेम्परेचर आ जाए तब तक मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ। जब तक ये टेम्परेचर नहीं आता तब तक हम लोग मशीन नहीं स्टार्ट कर सकते। इस मशीन की बात करूँ, ये दोनों मशीन मिला करके एक दिन में 700 पाउच का प्रोडक्शन कर देती हैं, यानी कि 7000 बोरी का, सॉरी पाउच मशीन के प्रोडक्शन की बात करें तो एक मशीन हमारी एक दिन में 350 बोरी निकालती है। हमारी दोनों मशीनें मिला करके एक दिन में मेरी 700 बोरी का प्रोडक्शन कर देती हैं। अगर हम आपको बात करें तो अगर आप 700-800 बोरी बेचना चाहते हैं तो दो मशीन आपके लिए सफिशियंट हैं। अगर आप पर डे 300-350 बोरी की सप्लाई ही करना चाहते हैं तो आपके लिए एक पैकिंग मशीन भी सफिशियंट रहेगी। और आपको बात करें, अगर इस मशीन को आप खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे तो हमारा जो लोकेशन है वो ट्रांसपोर्ट नगर मानसरोवर लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। मशीन हमारे पास ऑलमोस्ट हमेशा रेडी रहती हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी है। ये मेड इन हैदराबाद मशीनें हैं और आपको हमारे यहाँ से होलसेल प्राइस पर, बेस्ट प्राइस पर ऑल ओवर इंडिया सर्विस डिलीवरी अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ हमारी समझ में आ रही होगी। अब आपको मैं देखिए इसके रोल की फॉर्मिंग बता देता हूँ। ये देखिए, पहले यहाँ से रोल आता है, इससे होते हुए इससे बाहर की ओर निकल जाता है। ये देखिए बाहर आ गया, बाहर से आने के बाद में इस कॉलर में आकर के रैप हो जाता है, यहाँ से ये फोल्ड हो गया। अब पहली सील यहाँ पर लग जाती है और दूसरी सील हमारी यहाँ पे लगती है, जो कि अभी पाउच हमारा ऊपर रखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको नीचे कट करके यहाँ पर निकाल देता है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो अब मेरी बारी आ गई है कि मैं मशीन चला करके दिखाऊं। ये देखिए इस मशीन की वर्किंग है, पूरा ऊपर से नोजल से यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पॉलिथीन मेरी फोल्ड हो रही है। पहला सील यहाँ लग रहा है और दूसरा सील हमारा यहाँ पे लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, प्रोडक्शन आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है, बताने की जरूरत नहीं है।
लीक फ्री मशीन है, 100% लीक फ्री मशीन है। क्वालिटी हमारी पहचान है, एक्वा फिल्टर हमारा नाम है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम बंद कर देते हैं ताकि हम आपको आगे की चीजें समझा सकें। मैंने आपको पाउच मशीन की पूरी जानकारी दे दी, अब प्लांट के बारे में बता देता हूँ। ये एक्वा फिल्टर का 2000 लीटर का आरओ प्लांट है। ये इसमें पंप लगा हुआ है, क्योंकि प्लांट काफ़ी पुराना है तो आप देख सकते हैं थोड़ा डस्ट वगैरह है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ये आपका 2000 लीटर का FRP प्लांट है। सब कुछ इसमें वेल वर्किंग है। ये इसके वेसल्स हैं, इसके मल्टी पोर्ट्स लगे हुए, देखिए इनिशिएटिव की इसमें मैंने मल्टी पोर्ट्स लगा रखे हैं। और मैं आपको इसकी प्रॉफिट और इनकम की बात बता दूं, तो जैसे कि आप एक मशीन का आरओ प्लांट और पाउच मशीन का सेट आपको 3 लाख रुपए में अच्छी क्वालिटी का प्लांट मिल जाता है। सस्ता चाहते हैं तो 2000, अगर आप सस्ता चाहते हैं तो 2,80,000 रुपये में आपको प्लांट और पाउच पैकिंग मशीन हम प्रोवाइड कर देते हैं। आपको बता दें एक मशीन एक दिन में 350 आपकी बोरी बना के तैयार कर देती है। एक बोरी की लागत हमारी आती है 25 रुपये। इसकी सेलिंग प्राइस होती है 50 रुपये, यानी कि राउंड फिगर में आपको 50% का प्रॉफिट होता है। अगर आपको बात करें, अगर आप पर डे इसमें 300 बोरी भी अगर अपनी आप सप्लाई कर देते हैं 50 रुपये के हिसाब से, तो आपका 15,000 रुपये का माल सप्लाई हुआ। हम कहते हैं आप 50 के हिसाब से नहीं, आपने 40 के ही हिसाब से अगर सप्लाई कर दिया और प्रति बोरी अगर आपने 15 रुपये भी अगर अपने बचा लिए, तो ये मान लीजिए कि पर डे के आपके 5,000 से 6,000 रुपये कहीं नहीं गए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 3 लाख रुपए लगा करके पर डे 5-6 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो कोई ख़राबी नहीं है। इस मशीन को ख़रीदने के बाद में आपको सिर्फ वाटर टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर सप्लाई के लिए आपको समरसेबल की बोरिंग करानी होगी, बस इतनी चीज़ों की आवश्यकता है। और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस मशीन को ख़रीदने के लिए आपको लखनऊ आना होगा, या आप कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करके मशीन अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। हमारी डिलीवरी ऑल ओवर UP है, ऑल ओवर इंडिया है, इवन हम लोग इंटरनेशनल सप्लाई करते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर मानसरोवर लखनऊ में मेरा ऑफिस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब कुछ है। अगर कॉल नहीं उठती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, हाई कॉल वॉल्यूम्स की वजह से कभी कभी कॉल उठाना असंभव हो जाता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना एड्रेस नेम लिख करके मशीन का कोटेशन मंगा सकते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।